गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 54, और यह वर्कशीट 11th ऑफ नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ द क्लास टीचर, मैथ के शिक्षक का नाम यहाँ आपको लिखना है। एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मीटर आज पढ़ेंगे, और यह आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए वर्कशीट 1 से 2 दिन पहले प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप सेल्फ स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहे, इसलिए करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वी हैव लर्न, तो आइए डिस्कस करते हैं। वी हैव लर्न टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली। लेट्स लर्न टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का। जैसे एग्जाम्पल, सच फिगर्स आर द फ्लावर, बेड, ड्रेन, कवर, विंडो डिजाइंस एंड द रंगोली डिजाइंस। ये सारे जो डिजाइंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्लावर के डिजाइन, ये फ्लावर है राइट, ये आपके बेड है ठीक है, ये आपके जो है ना क्या है, विंडो है, विंडो है, फिर आपको जो ये और कवर है ठीक है। तो इस सब का जो है ना क्या करना है, हमें निकालना सीखना है, फाइंड आउट करना सीखना है, क्या इस सब फिगर का एरिया ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हो उसका सॉल्यूशन होता है ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए ठीक है, और इसको वहाँ बनाना है। तो फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, एंड ऑल्सो ए द सर्कल ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, आपको जो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ मिडिल सर्कल, ये जो मिडिल सर्कल है इसको, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी हो जाएगा, इंटू जो है ना आप स्क्वायर का क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी साइड इंटू साइड होता है। तो 4 है ये दे रखा है तो 16 हो जाएगा, और देन रेडियस ऑफ द सर्कल इन साइड द स्क्वायर 1 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7। आर का वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना है दोस्तों, एक्सिस में मान लेते हैं ठीक है, तो 22/7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पोर्शन तो 16 सेंटीमीटर माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 68/7 सेंटीमीटर आपका ये निकल के आएगा रिमेनिंग पोर्शंस का एरिया। उसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका ये एग्जाम्पल नंबर, आपका ये सेकेंड है। ऑन द स्क्वायर हैंडकरचीफ्स 9 सर्कुलर डिजाइंस डिजाइंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इच आर द मेड ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द हैंडकरचीफ। फिर इसी तरह को इसको भी आपको उसी तरह निकालना, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 378 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आंसर है ठीक है, उसकी सॉल्यूशन है। अब आप जो ये देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड को भी आप अच्छे से बना लेंगे। इसको में भी क्या करना है, आपको एरिया निकालना है इसमें ठीक है, देखिए अच्छे से बना लीजिए फ्रेंड्स इसे ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलिए तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ट्राई योर सेल्फ। देखिए फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स इज, और एरिया ऑफ द सेगमेंट इज। तो पहले चलिए आइए पहले फर्स्ट देख लेते क्वेश्चन। देखिए क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको थर्ड में देखना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2, ये माइनस है, 1/2 r² इंटू साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर, ये जो गिवन फिगर है, ये जो गिवन आपका फिगर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 28 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर ऑफ द साइड ये कितना है, 28 सेंटीमीटर। ये सारे 28 सेंटीमीटर है, कितना है ये, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी 28 सेंटीमीटर, और इसका भी 28 सेंटीमीटर विथ सेंटर, सेंटर ए बी सी डी इच सर्कल टचेज एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। देखिए ये ए बी सी डी ये सब टच कर रहा है, ये सब सर्कल से, ठीक है, ए बी सी डी ये सब सर्कल से टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस रीजन का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका त्रिज्या देखेंगे तो r/2 हो जाएगा, मतलब रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, 28/2, तो ये 14 सेंटीमीटर। यहाँ ये देखते हैं, देखिए गिवन क्या है, ए बी सी डी जे स्क्वायर साइड ऑफ 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये सब 28 सेंटीमीटर है इसका, ठीक है, कितना 28 सेंटीमीटर इसका भी है, इसका भी 28 है, इसका भी 28 है, इसका भी 28 है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट 4 × 1/4 πr² होता है, तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपको जो है ना, ये साइड स्क्वायर 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, 28 का स्क्वायर 784 होता है, और 22/7 इंटू 14 × 14, क्योंकि इसका रेडियस 28/2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। तो आपने 14 यहाँ पे पुट करना है, राइट। देखिए यहाँ 784 -616, तो ये 168 सेंटीमीटर² इसका आंसर हो जाएगा शेडेड रीजन का। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर मूव करते हैं, उस थर्ड की ओर से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ देख पा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर व्हेन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड द बी पी सी आर द सेमी सर्कल्स। ये बी पी सी, देखिए ए बी सी डी ये पहले फर्स्ट स्क्वायर है, ए पी डी एंड बी पी सी, ए पी डी और बी पी सी ये क्या सेमी सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं डायमीटर फॉर द सेमी सर्कल, यानी टोटल 14 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है, तो रेडियस निकालेंगे तो 14/2 यानी 14/2, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको इस शेडेड पोर्शन का, किस पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन तो क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड स्क्वायर होता है 2 सेमी सर्कल, 2 इंटू
टू सेमी सर्कल का क्या होता है, टू इंटू वन अपॉन में टू इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया और ये 14 का स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 × 7 × 7, क्योंकि इसका रेडियस 7 है, तो आर स्क्वायर तो 7 × 7, तो 1 7 से ये 7 कट गया। तो अब जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो गया, 22 को 17 से स्क्वायर करेंगे तो 7 से स्क्वायर करेंगे तो 154 हो जाएगा, तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।